आवाज कितनी प्यारी थी बहुत भाई। और मैं भी प्राग किया था। मुझे बिल्कुल तो सबसे पहले ईद मुबारक। तो काफी टाइम बाद हम तीनों साथ आए हैं। ईद की वजह से लेकिन फिर से ये अलग अलग चले जाएंगे। जॉब तो करनी है भाई। जॉब करनी है क्योंकि भाई ये टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो काफी टाइम में हम नहीं रिएक्ट कर पा रहे थे क्योंकि रमजान था, आपको पता था। और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इबादत में देना चाहते थे। ये मंथ होता है जिसमें हम इबादत करते हैं। बिल्कुल, तभी हम सॉन्ग पे रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो रिएक्ट करने वाले हैं ईदे में कैसे मनाओ ईदे बाय कासिम अली। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इन्हीं वीरान रस्तों पर कभी हाथों में डाले हाथ हम सब साथ चलते थे, हमारे रंज और खुशियां भी सांझी थी। पर अब की बार कैसी ईद आई है कि सारे रास्ते अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन हमारे हाथ खाली। जिनके यार रूठे हैं वो कैसे मनाएं ईदे, हो जिनकी आंखें नम है दिल में बड़े बड़े गम हैं वो कैसे मनाएं ईदे। मुबारक हो तुम्हें ये खुशियों वाले दिन, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, हमारे बिन काट रहे हो ये दिन। मैं कैसे मनाऊं ईदे, मेरा चांद मैनू नजर आवे ना। मैं कैसे मनाऊं ईदे, मेरा यार मुझसे खफा हुआ। कैसे मनाऊं ईदे, मेरा चांद मैनू नजर आवे ना। तो भाई क्या सॉन्ग था, जैसा टाइम चल रहा है कोरोना की वजह से तो वैसा ही सॉन्ग था। उनके लिए ही बनाया भाई, जिनके दोस्त यार सब बिछड़ गए और ईद मनाई जाती है अपनों के साथ। बिल्कुल भाई, पहली बार हम भाई पाकिस्तानी कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आला आवाज भाई है, पाकिस्तानी सॉन्ग भी अच्छे हैं पर बहुत अच्छा था ये सॉन्ग। ये भाई हाई लेवल का। कैसे मनाए ईदे मेरा यार, क्या बात है आज ईद इतने मर के साथ सॉन्ग गा रहे हो। तो थोड़ी सी बस डायरेक्शन में कमी थी, वो भी हो जाएगी। आवाज कितनी प्यारी थी बहुत भाई। और मैं भी प्राग किया था। मुझे बिल्कुल बहुत जबरदस्त आवाज थी भाई, मोटी मोटी आवाज और म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त थी। इन्होंने जो लोकेशंस बैकग्राउंड वगैरह चूज किए थे बहुत ही आला किस्म के चूज। यार एक दिन जाएंगे उस जगह पे और यकीन करो यार ख्वाब है किस्म का। क्या पाकिस्तान में ही तो है, क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान में तो है लेकिन घूमेंगे आप लोगों को साथ ले घूमेंगे। ये तो है भाई, ये तो आपको भी दिखाएंगे। और ये पता नहीं कब से सोचा हुआ है, नहीं हो रहा पूरा पता नहीं। ये सिर्फ कोरोना की वजह से ही खत्म हो जाए, अल्लाह करे बस फिर हम शुरू हो जाएंगे, तबाही मचाएंगे। तबाही तो मैंने तो बैग वगैरह में रखे हुए बम गोले रखे हुए। ऐसा नहीं कर, एजेंसी उठा के ले जाएगी। वो गैजेट्स की बात कर रहा था। तो वो टिकटॉकर्स की बात करते हैं भाई, पहले हारिस को जानते हैं और मिनाहिल मलिक को जानते हैं क्योंकि ये इन दोनों की तो जोड़ी मशहूर है। और दूसरे जो दो लड़के थे उनको भी नॉर्मल जानते हैं। मैं नहीं जानता उनको, मैंने टिकटॉक पे देखा हुआ है पर नाम मुझे याद नहीं है उनके।
तो सॉन्ग बहुत जबरदस्त था, म्यूजिक भी आला थी, जो आवाज थी ना भाई सिंगर की, उसी ने सॉन्ग को उठाया। हाँ, यकीन करो बिल्कुल भाई, सिंगर भी कासिम अली है और लिरिक्स भी भाई उनके अपने ही हैं। हाँ, क्या बात है भाई। तो गाइस हमें तो वीडियो काफी अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज।